हारेगा कोरोना अगर मिलकर लड़े जंग। कोविड 19 को हराने का 3S मंत्र। 3S मतलब संवाद, संकल्प और संवेदनशीलता। लॉकडाउन का पालन करें, न दिखाएं अधीरता। कोरोना वायरस दुनिया का दम निकालने को आमादा है। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या से दुनिया त्राहिमाम कर रही है। मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना हो चुका है। ये जंग किसी भी सूरत में आसान नहीं, बल्कि बीतते दिनों के साथ विश्व में स्थितियां और ज्यादा भयानक शक्ल अख्तियार कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या है कोरोना से जंग की असली रणनीति? कैसे कोरोना को भारत देगा शिकस्त? क्या है वो हथियार जिनसे कोरोना की हार तय है? भारत में कोरोना की हार तय है, बशर्ते हम एक रास्ता अपनाएं। वो है संवाद, संकल्प और संवेदनशीलता। कोरोना के संहार का ये 3S मंत्र है जो पीएम मोदी का मंत्र है, क्योंकि दुनिया के सामने आ खड़ी हुई इस भीषण त्रासदी से उबरने का एकमात्र रास्ता यही है। क्योंकि जिन जिन देशों ने कोविड 19 वायरस को हल्के में लिया और ये माना कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पस्त हुए। अमेरिका और इटली जैसे देश जिनके हेल्थ केयर सिस्टम का लोहा WHO तक मानता था, खुद कोविड 19 के आगे घुटने टेके बैठे हैं। दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफहमी थी, आज ये सब पछता रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ्य ही है। ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हालात विश्व में हैं और जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश में बढ़ी है, उसके बाद ये समझना होगा कि किसी भी कीमत पर जोखिम उठाने की स्थिति में अब देश नहीं है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि संवाद, संकल्प और संवेदनशीलता ही वो मंत्र है जो कोरोना को परास्त करने में कारगर साबित हो सकता है, जरा समझिए। कोरोना से जंग में आपस में संवाद इसलिए जरूरी है ताकि हौसला बना रहे कि हम एक साथ एक लक्ष्य और एक मिशन के लिए लड़ रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में भले ही हम सब अपने अपने घरों में कैद हों, लेकिन हमारी ये जंग एक दूसरे के साथ ही इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए है। जरा उनकी सोचिए जो कोरोना वॉरियर दिन रात 24 घंटे सिर्फ इसलिए अपने काम पर हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान हमारी जिंदगी आसान रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं, और इसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलती रहती है। तो कोरोना से जंग में संवाद क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मुश्किल दौर में संवाद तनाव को कम करता है। हम चुनौतियों और लक्ष्यों के लिए तैयार होते हैं, मनोभावों का पता चलता है, व्यक्ति सहज होता है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक संवाद करें, खुद पर भरोसा रखें और भरोसा दें भी कि स्थितियां ठीक होंगी। धैर्य संवाद का सबसे बड़ा पक्ष है, आवेग और आवेश दोनों से ही बचें। पीएम मोदी ने संवाद के सूत्र को देश में कोरोना के खिलाफ जंग में पहले दिन से पकड़ रखा है। 19 मार्च को पीएम ने पहली बार देश के लोगों से संवाद किया था, जिसमें उन्होंने हर भारतीय का आह्वान किया था कि वो कोरोना की जंग में शामिल फ्रंट वॉरियर्स के सम्मान में अपने घरों से ताली थाली या घंटी बजाएं। पीएम मोदी के इस संवाद को देश में जबरदस्त समर्थन मिला।
और हर हिंदुस्तानी ने डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त भी किया। दरअसल ये भी एक तरह का संवाद था जो हर हिंदुस्तानी का अपने हेल्थ वर्करों, पुलिस वालों, सफाई कर्मियों से था। इतना ही नहीं, जनता कर्फ्यू का ऐलान भी पीएम ने इसी संवाद के जरिए किया था, जिसे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। मानव विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी खोज भाषा और संवाद थी, आग और खेती से भी ज्यादा, क्योंकि संवाद ने ही इंसान को सभ्य और संवेदनशील बनाया। कोरोना के फैलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि देशों के बीच और उनके लोगों के बीच कोरोना के संक्रमण को लेकर कोई गंभीर संवाद किया ही नहीं गया। जरा समझिए कि कैसे। वुहान में कोरोना वायरस फैलने के बाद चाइना के शासन ने अपने ही लोगों से संवाद नहीं किया, यहाँ तक कि विसल ब्लोअर डॉक्टर को धमकाया। और रही बात मीडिया की, तो चाइना में मीडिया पर पहले से ही कंट्रोल है। अब ईरान पर चले आइए। ईरान के शासन और धार्मिक नेता ने अपने लोगों से गलत संवाद किया। ईरान में कोरोना के संक्रमण को अमेरिका का खौफ वाला दबाव बताया गया। इतना ही नहीं, लोगों को सामाजिक दूरी रखने की सलाह भी नहीं दी गई। ऐसा ही कुछ हाल इटली में भी हुआ। कोरोना संक्रमण के दौर में नागरिकों को यात्रा को लेकर आगाह नहीं किया गया, सामाजिक दूरी बरतने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, लोगों से सीधा संवाद कभी नहीं किया गया। और रही बात अमेरिका की, तो यहाँ कंफ्यूजन वाला संवाद किया गया। कोरोना के संक्रमण को लेकर चीन को दोष देने में ही अमेरिकी शासन पड़ा रहा, बढ़ते केस के बावजूद सावधानी बरतने को नहीं कहा गया। कमजोर और कंफ्यूज करने वाले संवाद भी कितने घातक हो सकते हैं, अमेरिका इसका ताजा उदाहरण है, जहां ऐसा लगता है जैसे कोरोना को दौड़ने के लिए खुली जमीन दे दी गई हो। इस महामारी के असर में आए मरीजों की संख्या करीब 130,000 हो चुकी है। इसलिए कोरोना की जंग में संवाद एक बड़ा मंत्र है, जिसमें एतबार भी हो और आभार भी। डॉक्टरों का त्याग, तपस्या, समर्पण देख रहा हूँ तो मुझे आचार्य चरक की कही हुई बात याद आती है, धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर कार्य करता है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वाकई समय बहुत कठिन है, लेकिन ये समझना होगा कि कठिन समय में हमारी भूमिका क्या है और किस रूप में है। दुनिया से सबक लेना और चेतना जरूरी है। वो देश जो कोरोना की जद में आकर बुरी तरह फंस चुके हैं, उनकी गलतियां न दोहराने का संकल्प जरूरी है। कोरोना के खिलाफ ये युद्ध अभूतपूर्व भी है और चुनौतीपूर्ण भी, इसलिए इस दौरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इतिहास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले। कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारतवासियों ने उठाए हैं, जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वही भारत को कोरोना महामारी पर जीत दिलाएंगे। एक एक भारतीय का संयम और संकल्प ही हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेगा। लेकिन ये तय करना होगा कि हमारी ये संकल्प एक नागरिक के तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर क्या है और वो कितने मजबूत है। एक नागरिक के तौर पर हमें घरों में कैद रहना जरूरी है, लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है, तो एक प्रोफेशनल के तौर पर हमारे काम का संकल्प। किसी भी हाल में देश को कोरोना के जानलेवा ढंग से बचाने के लिए ऐसा संकल्प अहम है और जरूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। अगर संकल्प बड़े हो तो संवाद असरदार होते हैं। जिस बीमारी ने देश में डेरा डाल रखा हो वो बस एक मौके के इंतजार में है, एक लापरवाह कदम और फिर एक झटके में आप उसकी गिरफ्त में। संकल्प मजबूत है कि किसी दम पर किसी कीमत पर चूकना नहीं है बल्कि जीतना है। अगर संभले रहे तो कोरोना से जंग जीतेंगे भी। फिलहाल जो उपचार है वो एक ही है, घरों में बंद होकर कोरोना की चेन को तोड़ देना। लेकिन सवाल यह है कि संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प के साथ पढ़ने का मतलब लक्ष्य को आधा हासिल कर लेना है। भारतीय परंपरा में किसी भी बड़े काम के पहले संकल्प का बड़ा महत्व है। जब आप संकल्प लेकर किसी कार्य को शुरू करते हैं तो फल सकारात्मक होता ही है। संकल्प हमें मानसिक तौर पर मजबूत करता है। संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड को संदेश देता है जिससे दृढ़ता आती है, और दृढ़ता हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जंग चाहे कोई भी हो, लेकिन सनातन संस्कृति में संकल्प किसी मिशन को पूरा होने की गारंटी माना जाता है, क्योंकि संकल्पित व्यक्ति अडिग होता है और उसकी जीत तय होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंद है, लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें ये जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। कोरोना से जंग में तीसरा मंत्र है संवेदनशीलता। कोरोना के साइड इफेक्ट की ये सबसे संवेदनशील तस्वीर है। लोगों के जत्थे बीमारी से ज्यादा भुखमरी के खौफ को लेकर महानगरों को छोड़ रहे हैं। कोई सड़कों पर लगातार चल रहा है, हजारों मील लंबे रास्तों पर, तो कोई ठसा ठस भरी बस में बैठकर किसी तरह बस घर पहुंच जाना चाहता है। ये जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण के बीच ऐसा सफर बेहद जोखिम भरा है। ये आनंद विहार बस अड्डा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग दिल्ली को छोड़कर जा रहे थे, जो लोग यहाँ पर काम के लिए आए थे और अब उन्हें संकट शुरू हुआ, रोजी रोटी का संकट शुरू हुआ, खाने का संकट शुरू हुआ, तो उन्होंने दिल्ली छोड़ना शुरू किया और उसके बाद लोगों की एक बड़ी भीड़ आनंद विहार के पास जमा होनी शुरू हुई। कल रात तक भी यहाँ लोगों की बड़ी भीड़ थी और उन्हें लग रहा था कि कैसे वो अपने घरों तक पहुंचेंगे। इस वक्त सिर्फ सबकी यही इच्छा थी कि वो घर तक पहुंच जाए। यहाँ पर NDRF की टीम भी तैयार है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स इंडिया, उसके जवान यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के लोगों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और ये सारे लोग इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्हें जमा किया गया है और कोशिश ये है कि बसों का इंतजाम करके उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए बहुत सारी बसें हैं जो कि लगातार आनंद विहार के दूसरी तरफ खड़ी हैं और इन पर आप सीधा लिखा हुआ देख सकते हैं विशेष अनुबंध करके। बहुत सारी बसें हैं जिन्हें यहाँ पर लगाया गया है और अब लोगों को थोड़ा उम्मीद है कि शायद अब वो अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। ऐसे लोग जिनके लिए संपूर्ण बंदी के दौर में जिंदगी बसर करना मुश्किल है, उनके लिए आपकी संवेदनशीलता जरूरी है, क्योंकि संवेदनशीलता होगी तो संवाद होगा। संवाद पलायन करने वाले ऐसे लोगों को एक भरोसा देगा। मुमकिन है कि ये भरोसा आपके महानगरों को छोड़कर ऐसे खतरनाक यात्रा कर रहे लोगों को रोक दे। तो क्यों जरूरी है संवेदनशीलता? संवेदनशीलता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भरोसा बढ़ाती है। लोग जरूरतमंदों की मदद को आगे आते हैं, इंसानियत का रिश्ता और मजबूत होता है और इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी जंग ह्यूमन चेन से जीती गई है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना में सामाजिक दूरी जरूरी है, लेकिन मानवीय दूरी बिल्कुल नहीं। किसी महामारी के दौर में ऐसी संवेदनशीलता कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। गरीबों या जरूरतमंदों की मदद के साथ ही ऐसे लोगों के प्रति भी बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है जो कोरोना पीड़ित हैं
या फिर संदिग्ध। भारत अपनी संवेदनशीलता और मानवता के धर्म के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये सरकार की संवेदनशीलता ही है कि कोरोना संक्रमण के दुनिया भर में फैलने के बाद भी ईरान से भारतीयों को लाए जाने का सिलसिला जारी है, जो वहां धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। ईरान में फंसे 275 और भारतीयों को जोधपुर लाया गया है। इन सभी लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद इन्हें सेना की तरफ से तैयार विशेष क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अगले 14 दिन तक इन सभी को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। भारत ने कोरोना से लड़ने में बेहद सतर्क और संवेदनशील एटीट्यूड दिखाया है। यही वजह है कि WHO दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ कर चुका है। WHO के कार्यकारी निदेशक माइकल रियान ने कहा कि भारत कोरोना वायरस महामारी से निपटने की जबरदस्त क्षमता रखता है। ये भरोसा सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि सरकार के अब तक के किए गए मुकम्मल कोशिशों और देश के लोगों की जागरूकता और संवेदनशीलता का नतीजा है। मानवीय संवेदनाओं से भरी ये तस्वीरें भी देखिए। यूपी के मुरादाबाद का महिला थाना है ये, जहां सड़क से गुजरते मजदूरों और गरीबों के लिए महिला थाने की तमाम सिपाही अपनी अलग ड्यूटी में लगी हुई है। खाना तैयार किया जा रहा है, कोशिश है कि जो इधर से गुजरे भूखे पेट न गुजरे। लोगों ने नहीं, मैं हमने भी, लेकिन जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, सब लोगों ने मिलके खाना बनाया है। और जितने भी जी, हम लोगों ने थाने में ही खाना बनाया है, सबको बांटा है। सबको तो मतलब ये है कि जो रिक्शा वगैरह वाले थे उन सबको ही बांटा है, जिनको मतलब लग रहा था कि हाँ ये लोग सुबह से काम कर रहे हैं और इन्हें शायद खाना ना मिला हो। जो दिल्ली से जो काम कर्मचारी आए हैं काम करके, और उनको बस तो नहीं मिल रही है, तो भूख है, उनके पास में पानी भी नहीं है, इसलिए हम खाना बना रहे हैं। आज हमने आलू गोभी बनाई है और पूरी बनाई है। जी हाँ, थाने के अंदर ही पूरा अरेंजमेंट है और पूरी सफाई से खाना बन रहा है। मेरे हाथों में ग्लव्स भी है और हम ग्लव्स का यूज कर रहे हैं। तो अगर धरती के भगवान अपने सेवा धर्म में लगे हैं, पूरा स्वास्थ्य हमला कोरोना से लड़ाई में अपने मजबूत रोल में है, तो पुलिस अपने रोल में बेहद संवेदनशीलता के साथ। ये तस्वीरें यकीनन तसल्ली देने वाली हैं और फक्र करने वाली हैं एक भारतीय होने पर। जो रहा, ये जो जरूरतमंद लोग हैं राहगीर पे चल रहे हैं, बाहर से पैदल आ रहे हैं, उन सबके लिए, गरीबों के लिए। खाने की दिक्कत हो रही थी तो हम यहाँ पे आए। तो मिला है खाना, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें भर नहीं है, ये भारत की आत्मा है, जिसे महानगरों के कंक्रीट के जंगल में खड़े होकर देखा नहीं जा सकता। यकीनन ये तस्वीरें भरोसा देती हैं कि कम से कम भारत में संवेदनशीलता और मानवता के ऐसे संकल्पों के आगे कोरोना ज्यादा दिन टिक न सकेगा। बस सतर्क रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।